नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजा पर स्वागत करता हूं आपका केटीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड में राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय अर्जुन सिंह बामनिया का स्वागत किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा के पूर्व सांसद ताराचंद जी और गढ़ी की विधायक बेन कांता जी, कुशलगढ़ की नव निर्वाचित और जन जन की लाडली विधायक बेन रमीला जी, ये कुशलगढ़ का जो हॉस्पिटल है साहब, बस नगर के बीच में है, कंजेस्टेड है और इसको बनाने के लिए साहब आप दिखवाएं और इसको नगर से बाहर कहीं जब जमीन दिला के इस समस्या का समाधान करें। जब भी कोई एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहती और कई बार मरीजों को आवागमन में तकलीफ पड़ती है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं निर्दलीय के रूप में मुझे टिकट नहीं देने पर यहाँ की जनता ने मेरे पे भरोसा किया और विश्वास किया, पर मैं आज विश्वास दिलाने चाहूंगी कि हम हल चलाता हुआ किसान मिला झंडे तो हमारे दास साहब ने थोड़े बहुत उधर से हल चलाता हुआ किसान के भिजाए थे, पर जे हाथेली के पंजे के ऊपर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज विश्वास हम दिलाते हैं और कांग्रेस के ऊपर ही हम चुनाव। बारा जिले में यातायात शाखा व परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाओं व गोष्ठियों का आयोजन किया गया। शहर के स्वामी विवेकानंद विद्यालय में बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी व नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की, आपने बहुत, मैं देख रहा था कि एंजॉय करते हुए इसको बहुत समझने की कोशिश करी है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल्दी सीखते हैं और जल्दी समझ में आता है और जो आपको यातायात नियमों के बारे में जो जानकारी दी गई है उसको आप अपने जीवन में फॉलो करें। पाली जिले के सोजत नेशनल हाईवे 162 स्थित सरहद में ट्रेलर व रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें बस कंडक्टर सहित दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। हरियाणा जिले में आमजन विकास सेवा समिति ने एनटीपीसी झाड़ली के पास झुग्गियों व झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया। साथ ही उन्होंने बताया कि देश में यदि जाति धर्म से ऊपर उठकर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, साथ ही जरूरतमंद लोगों को मदद करने पर जोर दिया गया। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आम जन विकास सेवा समिति प्रधान। आज हमने हमारी संस्था की तरफ से एनटीपीसी झाड़ली के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब जरूरतमंदों को खाना खिलाया ताकि उन्हें समिति की तरफ से थोड़ी मदद मिल सके, और हम आने वाले समय में हमारी आम जन विकास सेवा समिति की तरफ से जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही गरीबी है। हम चाहते हैं कि हमसे जहां तक भी जाकर खाना खिलाया जाए झुग्गी झोपड़ियों में, हम वहां तक जाकर खाना खिलाएंगे।